कुमार ने कहा कि जहां तक उन्हें पता है सत्ती ने सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति के कमेंट्स का जिक्र किया है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करके कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। परमार ने कहा कि जिस तरह से भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान चला है उससे भाजपा कांग्रेस से कई कदम आगे चल रही है। परमार ने कहा कि भाजपा मोदी सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल और जयराम सरकार के 1 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक कैडर आधारित पार्टी है और खुशी इस बात की है कि सभी अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। उन्हें ये एहसास हो गया है कि किशन कपूर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्यवहार और आचर से राष्ट्रवाद को परिभाषित किया है। उन्होंने दिखा दिया है कि सबसे पहले राष्ट्र, फिर नागरिक और फिर पार्टी आती है, इसीलिए इन चुनावों में राष्ट्रवाद को भाजपा ने मुद्दा बनाया है। परमार ने बताया कि भाजपा के कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी किशन कपूर 26 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान दाढ़ी में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार सहित भाजपा के आला नेता भी शिरकत करेंगे। मंडी जिला भाजपा मीडिया प्रभारी अजीत कपूर ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती को लेकर कांग्रेस बात का पतंगड़ बना रही है, जबकि उन्होंने अपनी ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान अजीत कपूर ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार चौकीदार चोर है कहकर प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में ना तो अदालत में मामला दायर है और ना ही कहीं कोई FIR दर्ज है। अब तो न्यायालय ने भी इस पर पाबंदी लगा दी है। अजीत कपूर ने कहा कि जहां तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग का आरोप है, इस बारे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इतना ही कहा है कि सोशल मीडिया में ऐसी बातें आ रही हैं, उसे महज पढ़कर सुनाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। मीडिया प्रभारी ने कहा कि गाली गलौज भाजपा की संस्कृति में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस हिमाचल में इस तरह के मुद्दों को भुनाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की 4 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी, ऐसे में बौखलाहट में बेमतलब के मुद्दों को हवा कांग्रेस पार्टी दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक अधिवक्ता ने ऐलान किया है कि जो सतपाल सत्ती की जुबान काटेगा उसे 10 लाख रुपया देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि उक्त टिप्पणी करने वाले व्यक्ति कांग्रेस के सदस्य हैं कि नहीं। कांग्रेस इस बयान की निंदा करे, नहीं तो भाजपा इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग में करेगी। वहीं सुंदरनगर में पूर्व CPS सोहनलाल ठाकुर ने भी पत्रकार वार्ता करते हुए मांग की कि भाजपा को ऐसे पदाधिकारियों को तुरंत हटा देना चाहिए और कांग्रेस भी ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि ना आई रेल, ना आए प्लेन, ना खुली नमक की खान, अब बौखलाहट में भाजपा नेता कर रहे हैं अनाप शनाप बयानबाजी, जिसके लिए शांता और सत्ती को कांग्रेस पार्टी द्वारा नोटिस भेजवा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा गलत आचरण के साथ सेना का इस्तेमाल कर रही है। मोदी बालाकोट का हवाला देकर वोट मांग रहे हैं। राजनीति का स्तर भाजपा गिरा रही है। सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार व जयराम सरकार के पास कोई भी विकास का मुद्दा नहीं है। सड़कों की दशा दुर्दशा बनी है और सड़कें गड्ढे बने हुई हैं। सुंदरनगर में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो गई, लेकिन नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मात्र पेशेंटों को रेफर किया जा रहा है। जोनल और नागरिक चिकित्सालयों में कोई इलाज नहीं हो रहा है। मरीजों को धक्के खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कहा कि मुख्यमंत्री मात्र एक हलके के लिए काम कर रहे हैं, वो भी सिर्फ सराज क्षेत्र के लिए, और बाकी 9 विधानसभा क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मात्र मंडी से मुख्यमंत्री की होने की चर्चा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में काफी उम्मीदें लोगों में जागी हैं। उन्होंने पूरी उम्मीद जताई कि कांग्रेस पार्टी मंडी से जीत हासिल करेगी। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले धूमधाम के साथ संपन्न हो गए। इस बार नवरात्रों में जहां पर लगभग 5 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए, वहीं श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब नवरात्रों के दौरान उमड़ता रहा। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में पहुंचकर माता के नवरात्रों का पूजन किया। मंदिर न्यास, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, पेयजल एवं सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग के द्वारा मेलों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया। हालांकि इस बार मेले के दौरान मंदिर में कड़ाह प्रसाद एवं सूखा प्रसाद चढ़ाने पर मनाही रही, इसका भी मिला जुला असर देखने को मिला। मेलों के दौरान मंदिर की सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया और पूरी तरह मंदिर को चकाचौंध किया गया था। मंदिर अधिकारी दुर्गा दास, पुलिस मेला अधिकारी DSP संजय शर्मा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मंदिर क्षेत्र में ही लगे रहे और मेले के दौरान प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर CCTV कैमरों के माध्यम से रखी गई।